नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करें निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है डेली चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट वो आपके कल के ट्रेड के लिए होगा, जो नेक्स्ट डे मंडे को ट्रेड होगा, इंट्राडे में आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और जो डेली चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे वो स्विंग के लिए होगा, आप स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन ट्रेडिंग के लिए जान सकते हैं। साथ साथ जो निफ्टी का मोमेंटम है, निफ्टी अभी बुलिश है या बेरिश है, उसके व्यू के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर डेली चार्ट पे बात करें, निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है 16,800। जब तक ये 16,800 के लेवल को निफ्टी नहीं निकाल लेता है, तब तक निफ्टी जो है पूरी तरह से यहाँ पर अब बुलिश नहीं होगा। देखिए, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होना है, मतलब जो बुलिशनेस है वो 6 मंथ 1 ईयर के लिए हो, तो 16,800 के लेवल को निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब फिर जो निफ्टी है वो बेरिश का जो संभावना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करता है निफ्टी और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर पुलबैक दिखाता है या यहाँ से फॉल करता है, तो फिर हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाएगा तो हम निफ्टी में पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। तो पूरी तरह से बुलिश तब होंगे जब ये इस लेवल को निकालता है, 16,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है डेली चार्ट पर, इसको ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर मूव करता है, तो पूरी तरह से हम बुलिश होंगे। वहीं अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी जो है डेली चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। फिर से निफ्टी जो है तब जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो कि 15,200 का लेवल, वहां तक निफ्टी फिर से फॉल दिखा सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो ये था निफ्टी का व्यू डेली चार्ट पर। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पर निफ्टी का जो व्यू है। तो देखिए, 15 मिनट चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन पर निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करेगा तो हम मंडे को यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन हमारा बन के आता है वो सपोर्ट रीजन है 16,620 का। तो 16,620 तक निफ्टी जो मूवमेंटम दिखा सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स जब आप देखेंगे, वही निफ्टी इस लेवल के अगर ऊपर निकलता है, जो आज का हाई रीजन है वो है 16,750 का। 16,750 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर बुलिश होंगे और 16,800 के लेवल, मतलब 50 पॉइंट का यहाँ पर ऊपर मोमेंटम बनता है, क्योंकि 16,800 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है जिसको निकालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस दो लेवल के बीच ट्रेड करता है निफ्टी तो एक साइडवेज मोमेंटम होगा, फिर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं छोटे मूव के लिए। तो बड़ा मोमेंटम नीचे की ओर तब होगा जब ये 16,600 के नीचे निकलता है और 16,580 को ब्रेक करता है, तो फिर ये 16,500 तक का लेवल दिखा सकता है। 80 पॉइंट का यहाँ मूवमेंटम हमें देखने मिलेगा नीचे, 16,580 से लेके 16,500 तक। वही अगर ये ऊपर निकलता है 16,750 से 16,800, तो 50 पॉइंट का मूवमेंटम इधर भी बनता है। फिर अगर इस दोनों लेवल के बीच ट्रेड करता है निफ्टी तो फिर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने के बाद इस लेवल के लिए हम पी को बाय कर सकते हैं, मतलब निफ्टी को सेल कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स था निफ्टी का इंट्राडे बेसिस के लिए, मंडे के लिए। और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू है निफ्टी का डेली चार्ट पर, तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।